हमको मैं किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह के फैंस से नाराज़ हुई ऐश्वर्या शर्मा ने आयशा पर मारे ताने। आयशा को लेकर बोली है तीन बड़ी बात, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह का कोल्ड वॉर एक बार फिर देखने को मिला है और एक बार फिर आयशा के फैंस जो हैं वो ट्रोल करते नज़र आए हैं ऐश्वर्या शर्मा को। हालाँकि ये पहली बार नहीं है, ऐश्वर्या शर्मा को बिग बॉस के घर में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। ऐश्वर्या शर्मा के बिहेवियर की चलते ही लोग बार बार ऐश्वर्या को रोस्ट और ट्रोल करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयशा सिंह के साथ जो कोल्ड वॉर चल रहा है, जहां पर आयशा सिंह की तारीफ होती है तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा को ट्रोल किया जाता है। अब फाइनली नील भट्ट के साथ ऐश्वर्या शर्मा का एक नया म्यूजिक वीडियो आ रहा है, जिसके बाद ऐश्वर्या शर्मा ने आयशा सिंह पर निकाला है अपना गुस्सा और उसका सबसे बड़ा रीज़न बताया। ऐश्वर्या शर्मा के कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से आयशा सिंह के फैंस लगातार ऐश्वर्या शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, ये वो बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या शर्मा का पारा एक बार फिर चढ़ गया है और उन्होंने आयशा सिंह से ले लिया है पंगे। दूसरा है ये बड़ा रीज़न जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा नहीं करती हैं आयशा को पसंद। आयशा सिंह और नील भट्ट की जो रिश्ते थे गो में किसी के प्यार में शो की जो रील कहानी थी, जिसके बाद ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट और आयशा सिंह को इतना दूर कर दिया, वो आज भी आयशा सिंह से जेलस फील करती हैं। तीसरा ये मेजर रीज़न है जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा का गुस्सा फूट रहा है आयशा सिंह के फैंस पर। दरअसल ये म्यूज़िक वीडियो नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का है, लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर आयशा की तारीफ हो रही है और ये वो बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या शर्मा जो है वो एक बार फिर ट्रोलर्स पर भड़कती नज़र आई हैं और कहीं ना कहीं आयशा सिंह पर भी निशाना साधा है। आयशा सिंह को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुकी हैं ऐश्वर्या शर्मा, लेकिन आयशा सिंह ने हमेशा से ही मैच्योरिटी दिखाई है और आयशा ने ना ही नील को ना ही ऐश्वर्या को कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोली जिसके बाद फैंस उन्हें ट्रोल करे। ये वो बड़ी वजह है जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा का गुस्सा फूट रहा है आयशा सिंह और उनके फैंस पर। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।